गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उर्वी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि कैसे मैं मेरे फेस को शेव करती हूं और क्यों मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको अगर डाउट है कि आप अपने फेस को शेव करें या ना करें, या करने से क्या होगा, करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। गाइस स्टोरी टाइम। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे है ना थ्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। तो थ्रेडिंग से क्या हो रहा था, मेरा पूरा स्किन जो है रेड हो जाता था बिकॉज मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे वो सूट नहीं कर रहा था। बिल्कुल रेड बहुत टाइम तक रहता था और मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाता था। फिर मैंने वैक्सिंग करना स्टार्ट किया, तो वैक्सिंग से तो अलग ही मेरे स्किन ने रिएक्ट किया, बहुत एक्ने होने स्टार्ट हो गए, बम्प आने स्टार्ट हो गए। तो वैक्सिंग तो मैंने एक ही बार किया, वो मुझे सूट नहीं किया, तो मैंने वहीं पे स्टॉप किया। उसके बाद मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया, तो मैं कैसे करती हूँ चलो वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। शेविंग के लिए है ना मैं ऐसा रेजर यूज करती हूँ और ये ऐसे कैप के साथ आता है और उसका जो ब्लेड है ना वो ऐसा है जिगजैग टाइप में। जिगजैग ब्लेड से गाइस क्या होता है ना, आपको कट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इजीली वो आपको कट नहीं लगता है। और ये है ना ऐसे 3 के पैक में आपको रिसीव होगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। मैं एक रेजर को 3 से 4 बार यूज करती हूँ। और हाँ गाइस, सबसे पहले इसे यूज करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना, वरना है ना आपको बम्प और एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस आपको है ना सेविंग करने के टाइम पे कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि मैं अपनी स्किन को 2 घंटे पहले स्किन केयर अपना करके स्किन को हाइड्रेट कर लेती हूँ, जिससे है ना स्किन बर्न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब मैं शेव करती हूँ तब एलोवेरा जेल या फिर कोई भी जेल क्रीम आप अप्लाई कर लीजिए स्किन पे अच्छे से, जिससे है ना आपको बर्न ना हो स्किन पे। अभी मैं सबसे पहले अपनी स्किन पे अच्छे से एक क्लियर एलोवेरा जेल का अप्लाई कर लूंगी। जेल लगाने से ना आपका रेजर बहुत इजीली मूव करेगा, तो बहुत आसान होता है शेव करना। गाइस आपको है ना रेजर को ना ऐसे पकड़ना है ना उल्टा लेना है, आपका जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में रखना है 45 के एंगल पे, और धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथों से मूव करना है। और दूसरे हाथ से ना आपको गाइस टाइटली स्किन को होल्ड करना है, जिससे आपका रेजर है ना इजीली मूव हो सके और एक ही जगह पे आपको बार बार रेजर ना करना पड़े। अगर एक ही जगह पे बार बार रेजर करोगे ना तो वो स्किन आपकी बर्न हो जाएगी। बर्न और कट दोनों अलग होते हैं। एक ही जगह पे बार बार रेजर करने से बर्न हो जाता है और जो लगने से होता है वो कट बोलते हैं। शेव करने से क्या होता है ना गाइज, हमारा जो ऊपर का डेड स्किन का लेयर होता है ना वो हट जाता है, तो हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट फील करती है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप अप्लाई करते हो ना तो आपका मेकअप बहुत स्मूथ फील करेगा और इजीली ब्लेंड हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा एक डिफरेंस पता चलेगा। और हाँ, बहुत लोग को लगता है कि रेज़र करने से है ना थिक हेयर ग्रोथ आता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि है ना रेज़र आपके अंदर के लेयर को तो टच ही नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर के ही लेयर को टच कर रहा है, ऊपर से ही डेड स्किन निकालता है और हेयर रिमूव करता है। यहाँ पर ना मुझे मेरे साइड के हेयर ज़रा नेचुरली पसंद है, तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। वापस हम लोग थोड़ा जेल यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। अभी जो ये बीच का पोर्शन है बहुत हल्के हाथ से आपको उसे मूव करना है, वरना कट लगने के चांसेस बहुत है। मुझे मेरे आईब्रोज शेव करना नहीं पसंद है, तो मुझे एज इट इज मैं उसे छोड़ दूंगी। और आपको हर एक पोर्शन के बाद रेजर को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं अपर लिप्स पे। तो है ना यहाँ पे आपको टाइट करना होता है, वरना कट लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
अगर आपको है ना वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स है ना, तो आप अपने नोज़ पे भी धीरे धीरे से हल्के हाथ से उसको रेजर कर सकते हो। मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ, उसके बाद मेरा नोज़ बहुत सॉफ्ट फील होता है, तो मैं तो ये करती हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड कर सकते हो। गाइस आप देख सकते हो मेरे कितने हेयर निकल चुके हैं, और ये हेयर निकलने के बाद है ना स्किन बहुत अच्छा फील करती है। इनफैक्ट मैं ना इसको मंथ में एक बार करती हूँ, आप है ना 15 डेज के गैप में भी कर सकते हो अगर आपको हेयर ज़्यादा है हेयर ग्रोथ। मुझे इतना हेयर ग्रोथ नहीं है तो मैं वंस इन अ मंथ करती हूँ, तो ये मेरा वंस इन अ मंथ का हेयर ग्रोथ है। अच्छे से सेव करने के बाद है ना अपने फेस को वॉश कर लेना है और रगड़ना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो टॉवल से मैं टैप टैप करके ड्राई कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे आइस क्यूब रब कर रही हूँ, क्योंकि है ना मेरी स्किन ओवर सेंसिटिव है, तो मैं आइस क्यूब रब करती हूँ जिससे कोई भी इरिटेशन या ईचिंग हो रहा हो तो वो वहीं पर सेट हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ वाटर जो है वो अप्लाई करना पसंद करती हूँ। आपके पास है ना जो भी आपके पास सबसे अच्छी चीज़ हो वो अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ ना करें, जैसे कि विटामिन सी है, नायसिनेमाइक है, AHA BHA है, ऐसा कुछ भी यूज़ ना करें। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूँगी और 24 आवर्स के लिए मेरी स्किन को एक ब्रेक देती हूँ, और कुछ भी मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना मैं रात के टाइम में करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना रात को एक तो आप सोने जाते हो तब आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हील करती है, तो मुझे रात को करना बहुत पसंद है, क्योंकि इसके बाद आप सो जाओ तो आपकी स्किन सुबह बहुत फ्रेश फील करेगी। गाइज आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हो। अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।